अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों को दो टाइप्स के आईलाइनर्स क्रिएट करना सिखाऊंगी जी, तो जो कि आजकल बहुत वायरल हैं। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे एक लाइन बिल्कुल आई के कॉर्नर पे ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेनी बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद आप लोग ऐसे एक बाहर की तरफ विंग निकालेंगे और उसे अंदर की तरफ लेते जाएंगे लाइक दिस। हाँ जी, तो ये वाले आईलाइनर्स जो हैं ये हुडी टाइज के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, यानी इससे आँख ज़रा खिलकर मतलब बड़ी लगती है। और दूसरी बात ये है जी के आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की कौन सी आई है, हुडी टाई है या दूसरी जो होती है। और जब भी आईलाइनर लगाया करें तो इनर कॉर्नर को मत भूला करें, उससे आँख की शेप जो है वो टोटल चेंज हो जाती है जी। काइंडली अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जी, तो और लाइक कमेंट भी कर लिया करें, शेयर भी कर लिया करें। आप लोगों के लाइक कमेंट शेयर से सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने डन कर दिया। अब मैं लगाऊंगी दूसरी वाली। अब दूसरी वाली जो सिंपल आईलाइनर जो होता है विंग आईलाइनर, उसका ये तरीका है कि आपने थ्री तरह के ऐसे लाइंस स्ट्रोक्स लगा देनी, ठीक है, गाइडलाइन लगा देनी है। अब पहले जो जिधर से डॉट लगाया हमने वहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, उसको उसके साथ कनेक्ट करके आखिर में ये ऊपर से उन तीनों लाइंस के ऊपर आपने ऐसे लेके आ जाना है मिड तक, आई बॉल तक। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पर जो है एक विंग बहुत ज़्यादा लंबा था, तो इस वजह से मैंने आपको दूसरा वाला विंग भी बहुत लंबा कर दिया ताकि दोनों सेम लग जाए। न्यू वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, जो लास्ट मैंने कैप्चर की थी तो उसी पे ही मैंने ये दोनों शेप्स बना दी थी आईलाइनर की। तो देखिए फिर उनको एंड तक आपने ले आना है जी। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा हुडीड आईज़ हैं तो आपने फुल एंड तक नहीं ले जाना है, ठीक है, और अगर नॉर्मल सी है थोड़ी सी तो आप बेशक एंड तक ले जाएं। हुडीड आईज़ पे जब आप हाफ आईलाइनर भी लगाते तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है जी। तो अगर आप, हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने सीख लिया होगा इससे। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।